So we are starting the Maxwell's equation, uh, the physical significance of Maxwell's equation, or it is also called the integral form of Maxwell's equation. So the, by means of Gauss's divergence theorem, Gauss's divergence theorem se, and for Stokes theorem, we can write the Maxwell's field equation in the integral form and hence obtain their physical significance. So first uh look my Gauss's divergence theorem और स्टोक्स थ्योरम क्या है उसको हम लोग यहाँ पे देख लें सो so, पहला तो हम लोग का है गोसेस डाइवर्जेंस थीरम जो हम लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स के सेमेस्टर वन में देखा है सो so, गोसेस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच के रिलेशन को दिखाता है ठीक है वॉल्यूम इंट्रीगेशन ऑक्यन से सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन दैट इज डबल इंटीग्रेशन टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके मैथमेटिकल फॉर्म अभी हम लोग यहाँ पे जरूरत पड़ेंगे तो क्या होता है अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी हो कंटिन्यूस वेक्टर हो और उसका अगर हमारा यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ हो सरफेस इंटीग्रल राउंड सर्कल में भी हो सकता है तो ए डॉट डी एस इज इक्वल टू जब हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं तो अगर मान के चलते हैं वॉल्यूम हमारा टाव है सो तो इसके आगे में वेक्टर के आगे में डाइवर्जेंस लग जाता है वेक्टर इज चेंजेस टू इट्स डाइवर्जेंस ये डेल डॉट ए इनटू डी टाव डी इज द वॉल्यूम यही है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए बताता है सिमिलरली स्टोक्स थ्योरम जो है ये जो स्टोक्स थ्योरम ये लाइन इंटीग्रेशन को यहां पे हम लोग देख लें ये लाइन इंटीग्रेशन को चेंज करता है हमारा सरफेस इंटीग्रल में ठीक है चलो तो जब लाइन इंटीग्रल को हम लोग सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं तो मान लेते हैं कि क्लोज पाथ है हमारा ए वेक्टर डॉटी एल इथ इज द लाइन इंट्रीगल लाइन इंट्रीगल मतलब सिंगल इंट्रीगेशन दैट लाइन इंट्रीगेशन इज चेंजेस टू सरफेस इंट्रीगल जब ये हम लोग सरफेस इंट्रीगल मतलब डबल इंट्रीग्रेशन में चेंज हो जाएगा सो ये वैक्टर जो है वैक्टर क्वान्टिटी अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक्स थे इसके आगे में लग जाएगा कल दट इज डेल क्रॉस ए इंटू डी एस सोसेस डाइवर्जेंस थियोरम में हम लोग क्या करते हैं सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं सरफेस से वॉल्यूम इंटीग्रेशन चेंज होने में वेक्टर के आगे में डाइवर्जेंस लगता, लगता है और जब हम लोग यूज uh, करते हैं तो स्ट्रोक्स थियरम में हम लोग इंट्रीगेशन को सर्फेस uh, इंट्रीगेशन में चेंज करते हैं तो वैक्टर के आगे में क्या लगता है हमारा कर लग जाता है

चार्ज का वैल्यू क्या है क्यू वॉल्यूम जो कि एलिमेंट्री वॉल्यूम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डीटाओ तो तो इस रो को जब हम डीटाओ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा क्यू सो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो डीटा यही हम लोगों ने लिखा है रो इक्वल टू क्यू सो अब हम लोग जानते हैं कि गोसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पे कि ए डॉट डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस तो अब हमको यहाँ से यहाँ वापस आना है ये तो हमारा डाइवर्जेंस 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 दिया हुआ है ऑफ तो divergence यहां तो डी से पे आएगा ये सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन किस में चेंज होगा सरफेस इंटीग्रेशन में तो ये सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो गया डी डॉट डी एस यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है इंटू क्यू सो वाट डिस क्वान्टिटी ये हमारा फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्स इक्वेशन है सो वाट दिस मीन्स द मैक्सल्स फील्ड इक्वेशन सिग्निफाइज दैट डी डॉ किसी भी वैक्टर का जब हम लोग डाइवर्जन सॉरी सरफेस इंट्री कर लेते हैं तो वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये हम लोग मैथमेटिकल प्रोजेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर में देखे थे वहाँ पर है ये ये फिजिकली सिग्निफाई करता है उसके फ्लक्स को फ्लक्स क्या आता है किसी भी वैक्टर क्वान्टिटी के लिए फ्लक्स फैक्टर क्वान्टिटी के लिए फ्लक्स होता है किसी भी आर्बिट्री एरिया से टोटल नंबर ऑफ लाइंस वेक्टर लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है इमेजनरी लाइंस जो है वो पास करते हैं चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम लोग यहाँ पर टोटल नंबर तो दिस द डिग्निफाइज द ये क्वांटिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा टोटल फ्लक्स

सेकेंड इक्वेशन मैक्सुअल इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो आर्बिट्री वॉल्यूम टाउ वी गेट आर्बिट्री वॉल्यूम टाउ पे अगर हम, हम इसको इंट्रीगेट करें तो हमारा क्या आएगा फिर ये हो जाएगा क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ बी पहले से ही है सो तो डेल डॉट बी डी इज इक्वल टू जीरो नाउ कन्वर्टिंग द वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल फिर हम लोग क्या करेंगे इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो डाइवर्जेंस हट जाएगा सो कन्वर्टिंग द वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ गोसेस डाइवर्जेंस और गोसेस थ्योरम वी गेट क्या हो जाएगा इसके आगे में हमारा सर्फेस इंटीग्रल लग जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे क्लोज फिगर एस बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो

क्लोज uh, सरफेस में वो जीरो होता है दैट मीन्स हम लोग जैसे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रॉ करते हैं तो जितना uh, मैगनेटिक फ्लक्स कहने का मतलब जितना लाइंस हमारा इनसाइड जा रहा है उतना ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसको लीव कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इंटरिंग द सर्फेस और टोटल इन नंबर ऑफ लाइन्स लीविंग द डैट एरिया इज सेम सो दे कैंसल इच अदर सो द टोटल फ्लक्स इज जीरो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ

इंट्रीग्रेट जो कर रहे हैं ओवर द सरफेस कर रहे हैं सो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एच डॉट डी एस इज इक्वल टू जे डॉट डोडी बाई डोटी डॉट डी एस नॉट कन्वर्टिंग लाइन इंट्रीगल चूंकि सरफेस इंट्रीगल है ये हमारा दोनों तरफ इस सरफेस इंट्रीगल को हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे लाइन इंट्रीगल में तो हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि सरफेस इंट्रीगल में हमारा क्या होता है कि यहाँ से अब हम लोग को सरफेस इंटीग्रल से लाइन इंटीग्रल में बैक वापस जाना है सो दैट सरफेस इंटीग्रल चेंज जो कर्ल है वो सिंपल ए डॉट डी एल हो जाता है तो यहाँ पर भी वही सेम चीज हो जाएगा यहाँ पर क्या था हमारा कर्ल ऑफ एस था सो कर्ल ऑफ एस जो है वो चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा एच डॉट डी एल क्लोज पाथ जे डॉट डोटी बाई डोटी डी एस दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ और थर्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सुअल फील्ड इक्वेशन सो दिस सिग्निफाइज दैट द दिस इज एच डॉट डी एल इज मैग्नेटो मोटिव फोर्स एक हम लोग सुन रहे हैं अभी तक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते प्रोड्यूस होता है ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है हम लोग जानते हैं कि दो वैक्टर अगर जो परपेंडिकुलर होते हैं तो अगर एक बी वैक्टर हो तो उस परपेंडिकुलर दूसरा जो मैग्नेटिक इंडक्शन वैक्टर होता है एच इसको हम लोग मैग्नेटो मोटिव फोर्स एच डॉट डी एल जो है वो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स को डिनोट करेगा सो मैग्नेटो मोटिव फोर्स अराउंड ए

around the सरफेस S बाउंडेड by the लूप सी we गेट कर्ल ऑफ ई डॉट ds is इज इक्वल टू माइनस डोबी बाई डोटी डी एस अब ये डोबी बाई डोटी जो है अब पहले हम लोग क्या करते हैं फिर स्टोक्स थीर से इसको चेंज कर लेंगे ये हमारा फिर चेंज हो जाएगा इसमें लाइन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा तो लाइन इंट्रीगेशन में चेंज होने के बाद ई डॉट डी एल हो गया डो बाय डोटी जो है वो इसका इसमें कोई सिग्निफाई नहीं है इसलिए इसको हमें बाहर कर दिए

सो so, ये हमारे चार मैक्सुअल्स फील्ड हुए जिसका हम लोग इंट्रिकल फॉर्म देखे और उसके हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखे अब हम लोग आते हैं इसके इलेक्ट्रोमोटिक पोटेंशियल ए और फाइव के लिए ये कुछ नए पोटेंशियल्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ए एंड फाइन सो द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज ऑफटेन फैसिलेटेड बाय द यूज ऑफ ऑक्सिलरी फंक्शंस कुछ ऑक्सिलरी फंक्शंस मेन फंक्शंस नहीं फंक्शंस के अलावा कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो मैग्नेटिक पोटेंशियल्स को डिफाइन करने के लिए आवश्यक हैं। सो दीज आर कॉल एज द इलेक्ट्रोमैटिकोट एवरीफाइड फोर्थ इक्वेशन कौन कौन से इक्वेशन ये जो मैक्सोल्स इक्वेशन है ए नंबर दिया डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो बी कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डोटी बाई डोटी मैक्सोल्स इक्वेश and curl of E is equal to minus dou d by dou t. So equation number D diya. So according to equation B, ये जो हमारा equation B है, the field vector B is always sol solenoidal. Solenoidal vector किसको कहते हैं? ये फिर हम लोगों ने mathematical physics में पढ़ा था. Solenoidal vector इसको कहते हैं अगर किसी vector का divergence अगर zero हो जाए, तो उस field को हम लोग कहते हैं solenoidal vector. ठीक है? ये हम लोगों ने पढ़ा है. सो दैट मीन्स बी इज ऑलवेज सोलिनोडल बी जो है हमेशा सॉलिनॉडल वैक्टर होगा कंसिक्वेंटली बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कर्ल ऑफ अनदर वैक्टर से ए तो मतलब बी को हम रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं किसी भी वैक्टर के कर्ल के बारे में क्योंकि इसका तो डाइवर्जेंस हमारा जीरो है। तो इसको लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं कि डायवर्जेंस ऑफ और अगर B के जगह पर हम लोग curl put कहते हैं curl of A तो हम लोग जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होता है तो यहाँ पे हम लोग बी के जगह पे कर्ल ऑफ ए के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर ए इज द वेक्टर विच इज द फंक्शन ऑफ स्पेस ए एक ऐसा वेक्टर है जो स्पेस का फंक्शन है एक्स वाई जेड एंड टाइम टी तीनों का फंक्शन है स्पेस का भी फंक्शन है और टाइम का सो सब्स्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन डी फ्रॉम वन अब ये बी का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा क्या है बी का वैल्यू कर्ल ऑफ ए इक्वेशन नंबर डी में पुट कर रहे हैं तो so, ये हो गया कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डो बाई टी यहाँ बी था बी के जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं कर्ल ऑफ ए अब इसको हम लोग इधर लेके आते हैं और कर्ल कर्ल दोनों तरफ है इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाए ई प्लस डो ए बाई टी इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन को मॉडिफाई किए तो यह हो गया कर्ल ऑफ ई प्लस डो ए बाई डो टी इज इक्वल टू जीरो सो द फील्ड ऑफ वैक्टर ई प्लस डो ए बाई टी इज इ रोटेशनल अभी हम लोगों ने पढ़ा था सोलिनोडल की डाइवर्जेंस ऑफ ए वैक्टर अगर जीरो हो तो उसको हम लोग कहते हैं सोलिनोडल वैक्टर और एक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी वैक्टर का कर्ल अगर जीरो हो अगर वैक्टर अगर है और उसका कर्ल अगर जीरो हो मान लेते हैं ए वैक्टर है और उसका कर्ल जीरो हो तो उस वैक्टर को हम लोग रोटेशन इ रोटेशनल वैक्टर कहते हैं रोटेशनल इफेक्ट एक्चुअली फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ कर्ल हम लोग देखे थे कि अगर कोई वेक्टर रोटेट कर रहा है तो उसके कर्ल से हम लोग उसको जानते हैं कि वो वेक्टर रोटेट कर रहा है लेकिन अगर वेक्टर रोटेट ही नहीं कर रहा है कोई रोटेशन नहीं है उसमें सो दैट मीनस उसका कर्ल जो होगा क्योंकि वो फिजिकली कर्ल जो है उसके रोटेशनल इफेक्ट को बताता है तो अगर उसका कर्ल ही हमारा जीरो है इसका मतलब दैट वेक्टर इज कॉल्ड इरोटेशनल दैट मस्ट इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन दैट मींस इसको हम लोग जानते हैं कर्ल ऑफ एज इक्वल टू जीरो और ए के जगह पे अब हम लोग क्या पुट करेंगे ऑफ हम लोग जानते हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेड फाइ ये भी हम लोगों ने मैथमेटिकली फिजिक्स में देखा था कि ये जीरो होता है कर्ल ऑफ ग्रेड फाइ इज इक्वल टू जीरो सो इसके जगह पे अब हम लोग पुट कर सकते हैं ग्रेड फाइव तो अभी हम लोगों ने दो पोटेंशियल लिया एक ए पोटेंशियल लिया जो बी के जगह पुट किया ए जो है स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है ठीक है अभी के दूसरा फंक्शन आया फाइव जो सिर्फ स्केलर फंक्शन है दैट मीन्स एक्स वाई जेड का ही फंक्शन है दैट मीन्स अगर हम ये इस क्वांटिटी को उधर लेके आए तो वेक्टर ई e को हम लोग लिख सकते हैं ग्रेड फाइव माइनस डो ए बाई डो टी या फिर इसको लिख सकते हैं ए इज़

दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इनडिपेंडेंट ऑफेद दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं दिस डिफाइन द फील्ड वेक्टर ए एंड बी यूनिकली बट आर नॉट नॉन यूनिक मतलब ये यूनिक है अभी हम लोग पढ़ेंगे गॉजवी इन्वेरियंस लॉरेंस गॉज इसके बारे में पढ़ेंगे सो so ई e और बी जो है वो यूनिकली डिफाइन किया जा सकता है यूनिक मतलब अलग अलग वेक्टर ई e को अलग से डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर बी को अलग डिफाइन कर सकते हैं बट

तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक थ्योरी में वो कैसा बनेगा उसके बारे में भी हम लोग फर्दर क्लासेस में आगे देखेंगे अब आता है नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक पोटेंशियल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉज इसको हम लोग गॉज इन वेरियंस भी कहते हैं नॉन यूनिकनेस कहने का मतलब कि फाइ और ए जो हमारा जो पोटेंशियल अभी हम लोगों ने डेवलप किया या डिफाइन किया वो नॉन यूनिक होता है मतलब यूनिक नहीं होता है

and then second equation is curl of sorry e is equal to minus grade phi do a by dou b so from equation one and two it is clear that in b ko hum a se alag nahi phi or a or e ko alag ka sakte. so from equation one and two it is clear that for a given a and phi each of field vector b and has its own value that is a and, and phi determine b and e uniquely however

लेकिन ई e और एच के लिए a और फाई का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होता है दिस इज़ बिकॉज़ द कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ एनी हैज़ आइडेंटिकल आइडेंटिकली एंड हेंस वी मे ऐड वेक्टर ए टू द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर लैम्डा विदाउट एफेक्टिंग बी क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी वेक्टर में कर्ल ऑफ कल अगर हम ऐड करते हैं तो वो उसको वैनिस कर देता है तो इसलिए हम लोग एक नया फिर वेक्टर को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस ग्रेड ऑफ ठीक है ए एड एक नया फंक्शन है हमारा जिसको ए प्लस ग्रेड ऑफ लैमडा के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसके वैल्यू को हम लोग क्या पुट करेंगे इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे वेक्टर ए के जगह पे तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू ग्रेड फाइव माइनस डो बाई डो टी और येमडाडा को हम ग्रेड को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा t. तो ये हो जाएगा डो लेमडा बाई डोटी और एक्स्ट्रा टर्म क्या रह जाएगा माइनस डो एडाइस बाय डोटी डो एडा बाई डोटी सो इफ वी मेक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री के जैसा अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करें वी मस्ट ऑल्सो रिप्लेस फाइव बाई फाइव को भी हमको रिप्लेस करना होगा जैसे हम लोगों ने ए को रिप्लेस किया उस तरह से फाइव को भी रिप्लेस करना होगा तो फाइव को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं फाइव डैश से फाइव माइनस डो लेमडा बाई डो टी तो इसको हमने इक्वेशन में पुट कर दिए तो हमारा वेक्टर ए तो एक एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा इक्वेशन थ्री और फोर से सो तो बी हमारा था कर्ल ऑफ ए और ए को हम लोगों ने रिप्लेस किससे किया था ए डैश माइनस ग्रेड लैमडा और इस पूरे क्वांटिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं वेक्टर ऑफ तरह से है तो वही चीज ना उसी तरह से वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड फाइव माइनस डो ए लैम्डा और फाइव के जगह के हम लोग पुट कर दें 5, ये इधर अगर हमारा टर्म आ जाएगा फाइव के जगह पे इस फाइव के जगह पे तो क्या हो जाएगा फाइव प्लस डो ए बाई डोटी फाइव प्लस डो ले माइनस डो बाई डोटी फिर एक जगह पे क्या पुट करेंगे एक जगह पे पुट करेंगे जो लिखा ए ग्रेड लैमडा सो इसके जगह पे फिर हम लोग लिख सकते हैं सिंपलीफाइड और इसके जगह पे पूरा हम लोग लिख सकते लैमडा मेरा एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है सो so, उसका रहना नहीं रहना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सो माइनस डो ए डैश बाई डो टी सो इफ वी गेट द सेम वैक्टर फंक्शन वेदर वी यूज ए ऑन फाइव और एडस फाइवे मतलब हम लोगों ने ए और फाइव यूज किया तो वही हमारा इक्वेशन आया कौन सा इक्वेशन था पहले बी इज इक्वल टू कल ऑफ ए और जब ए को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया ए डायस और लैमडा से तो भी हमारा इक्वेशन सेम आया आया उस तरह से ई e को जब हम लोगों ने लैमडा वाले इक्वेशन से रिप्लेस किया तो पहला इक्वेशन था शुरू में माइनस ग्रेड फाइव डो ए बाय लैमडा और उसके बाद जब रिप्लेस कर दिया तो फिर इक्वेशन सेम आया ग्रेट डो फाइव माइनस डो एडा बाई डोटी

कौन कौन सा इक्वेशन ये वाला इक्वेशन नंबर फोर और हम लोगों ने जो में इक्वेशन नंबर थ्री देखा था ये वाला इक्वेशन इस दिस इक्वेशन इस दिस इक्वेशन और ये इक्वेशन ये भी हमें याद रखना है क्योंकि ये इसका भी आगे में बहुत ही यूज है हमारा सो दीज आर कॉल्ड गॉस ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर्बिट्री स्केलडा इज कॉल्ड गॉस फंक्शन इस आर्बिट्री फंक्शन है इसका हम लोग सिर्फ इक्वेशन को चेंज करने के लिए देखा कि ये यूनिकली डिफाइंड हो रहा है कि नहीं सो दैट्स दट स्केलर स्केलडा इज कॉल्ड गॉस फंक्शन एंड फ्रॉम अभव इट इज ऑल्सो क्लियर दैट इवन दो फंक्शन रिमेन्सेंज मतलब हम लोगों ने शुरू में देखा कि इसको एड करने के बावजूद भी हमारा इक्वेशन जो है वो अनचेंज रहा यहाँ पर भी जब हम लोगों ने एड किया एक्स्ट्रा क्वान्टिटी फाइड से चेंज किया तो भी हमारा इक्वेशन जो है अनचेंज जो फॉर्म था वही फॉर्म हमारा यहाँ पे आया सो दे आर रिमेन अनचेंज ना इट इज फील क्वानिटीज एंड नॉट द पोटेंशियल दैट पोजिसल मीनिंग फुलनेस सो देयर फोर वी से फील्ड वेक्टर्स आर इनवेरिएंट फील्ड वेक्टर्स जो है वो इनवेरिएंट होते हैं गॉस टाफ और इनवेरिएंट कहने का मतलब कि उसका फॉर्मेशन चेंज नहीं करता है इनवेरिएंट इनवेरिएंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता हो जिसका फॉर्म मतलब जो उसका इक्वेशन का फॉर्म है वो चेंज नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि वैल्यू पुट करने के बाद भी इक्वेशन का फॉर्म सेम आया b इज इक्वल टू कर्ल ऑफ a आया और जब एडा ए को हम लोग ने चेंज कर दिया एडा एस प्लस आर्बिट्री फंक्शन ग्रेड ऑफ लेमडा से तो भी हमारे हमारा इक्वेशन का फॉर्म हमारा सेम ही आया अगर इसको पूरे को एडा एस मान ले तो उसी तरह से अगर फाइव को हम लोगों ने चेंज कर दिया फाइव प्लस डो लेमडा बाई डोटी से तो भी हमारा फॉर्म जो है सेम आया सो दीज आर गॉज इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड दे आर गॉज इन वेरियंट इसको हम लोग कहते हैं गॉज इन वेरियंट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सो अभी हम लोगों ने मैक्सिमल इक्वेशंस के बाद उसके इंट्रीगल फॉर्म को देखा इंट्रीगल फॉर्म देखने के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि स्केलर पोटेंशियल क्या होते हैं ए और फाइव के फॉर्म में किस तरह से हम लिख सकते हैं सोलिनॉडल और ई रोटेशनल वैक्टर के चलते और फिर ए और फाइव को हम लोग यूनिकली डिफाइन करने के लिए अगर ए को ए एस और लैमडा से चेंज कर दें फाइव को फाइडाइस और लैमडा से चेंज कर दें वे लैमडा इज द गॉस फंक्शन तो ये इन होते हैं गॉस ट्रांसफॉर्मेशन तो इसके बाद हम लोग फिर हम लोग इस गॉस इन नए वेरियंट को और आगे हम लोग आगे क्लासेस में और देखेंगे कि इसके आगे इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है इसके मैक्स इक्वेशन में इसका फॉर्म कैसे चेंज होता है